हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का जो आपका प्रत्येक वर्ष एडमिशन की प्रक्रिया होती है, फाइनली उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको हम देखेंगे और कब से कब तक लास्ट डेट है, कितना एप्लीकेशन फीस है, क्या क्या पैटर्न है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे समस्त और लेटेस्ट अपडेट आपको ICARBHU UP कैट और अन्य स्टेट यूनिवर्सिटियों का नोटिस आपको सर्वप्रथम पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का टेलीग्राम लिंक है, उसको जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर समस्त PDF फॉर्मेट आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम चलते हैं गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमने सिंपल सा इसको सर्च किया है GVPUAT, और इसके आगे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका, इसको हम थोड़ा डेस्कटॉप मोड में बना लेते हैं जिससे आपका क्लियर फाई हो जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन आप करते रहेंगे तो दे रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 2022-23 हैज़ बिन स्टार्टेड। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये आपका देखिए इस सर्कल बॉक्स में आपका ओपन मतलब स्लाइड हो रहा है, तो इस पर हम करते हैं क्लिक। और क्लिक करने के उपरांत आपको इस प्रकार के इंटरफेस आएंगे। नोटिफिकेशन आ रहा है एक तरफ, लेटेस्ट अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपका हेल्पलाइन नंबर, यदि आपको फॉर्म भरने या एप्लीकेशन फॉर्म फेल हो गया, नहीं फिल हुआ, फीस सबमिट हो गया और फाइनल सबमिट नहीं हुआ, तो इस प्रकार के समस्याओं का समाधान पाने के लिए आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया होता है और ईमेल भी दिया होता है। यदि आप सबसे पहले ईमेल कीजिए, यदि ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है देन आपको कॉल करके यहाँ से क्लियरफाई कर लेना है। तो यहाँ से डाउनलोड इसका करेंगे प्रॉस्पेक्टस, लास्ट डेट और अन्य संबंधित जानकारियाँ। और इसमें कोर्स, यदि आपको अभी फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट डेट देखना है तो आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करिए। यदि इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स है इसको जानने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन स्टेप। ये कौन सा स्टेप है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे खुद से, फ़ोन से भरेंगे या फिर साइबर कैफे से, जैसे आपको उचित लगे। अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं खुद तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको मतलब इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए फाइनली हम लोग अब चलते हैं अपने प्रॉस्पेक्टस को करते हैं डाउनलोड। यहाँ पर सिंपली प्रॉस्पेक्टस ये आपको PDF जो फॉर्मेट है ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो प्रॉस्पेक्टस 2022-23 का नीचे दे रहा फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट, का मतलब 10th के बाद BSc, MSc और PhD तीनों प्रोग्राम्स के एडमिशन हेतु। आपका यहाँ पर लोगो देख सकते हैं पंत नगर यूनिवर्सिटी का, उत्तराखंड में जो आपका स्थित है। तो इसका ये इंस्ट्रक्शन देखते चलिए नीचे एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो जो मोटी मोटी है आपको वही हम इसमें बताएंगे एप्लीकेशन प्रोसीडर। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है www.gbpuat.ac.in यूनिवर्सिटी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म UG मास्टर एंड MCA 18 अप्रैल से लेकर 31 मई 2022 के मध्य ही होना है। ए और बी दोनों देख लीजिए आप एक साथ। और नेक्स्ट दे रहा है आपका ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म MTech प्रोग्राम एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ऑफ मास्टर MTech एंड PhD, या आपका जो यूनिवर्सिटी एम्प्लाई कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं उनको भी यही डेट
फिल करना है, मतलब इसी डेट के अंतराल में फॉर्म फिल करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, जनरल और ओबीसी की फीस दोनों इक्वल है, 1200 मतलब 1200 रुपये मात्र है। और एससी एसटी फी पीएच का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप्ट दिव्यांग, इनके लिए जब आप ऑटोमेटिक इस कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दो श्रेणी में आ जाएगा, एक आपका जनरल ओबीसी का 1200 आ जाएगा और इस तीनों कैटेगरी के अंदर आपका 600 रुपये फीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके इन कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन हैं। पहला क्या है, इस विवरणिका को नीचे दिए गए निर्देश जो भी हैं इसको कह रहे हैं, आवेदन करने से पहले इसको अच्छे से पूर्ण कर लीजिए, मतलब अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब आप आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। जो आपका आवेदन पत्र है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको रिजेक्ट किया जा सकता है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला क्या दे रहा है, निवास प्रमाण पत्र, जाति उपजात प्रमाण पत्र और इन सभी से संबंधित जो आपका खेल प्रमाण पत्र है, जो आपका कहते हैं कि स्पोर्ट सर्टिफिकेट होता है, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य स्तर पर होना चाहिए, एनसीसी का जो भी हो आपके पास, इसको आप प्रिपेयर रखें, मतलब तैयार रखें। अगला दे रहा है, यदि आपके द्वारा कोई भी आवेदन पत्र पर सूचना, मतलब गलत सूचना देता है, तो आवेदन पत्र उसका निरस्त कर दिया जाएगा, आधार कार्ड से वो मैच हो जाती है ऑटोमेटिक, उसको देख लीजिएगा। यदि आपका आवेदन शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है तो आप उस पर नीचे दिया हुआ है क्वेरी, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला दे रहा है आपका प्रथम चरण, ये आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी हमें टाइम लग जाएगा, तो हम इसको मोटा मोटा बताते चलते हैं ऊपर ऊपर। आपका सेमेस्टर वाइज इसमें एग्जामिनेशन होता है, परीक्षा केंद्र आपके सभी, मतलब आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कहाँ कहाँ फिल करना है। अब आगे नीचे आइए, इंस्ट्रक्शन तो आपने देख लिया कुछ। अब ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, कैंडिडेट का वही नाम भरना है जो आपके 10th के मार्कशीट पर हो, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में मांगेगा बर्थ सर्टिफिकेट, तो अपने हाई स्कूल का, अपने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र उसको सबमिट करना होगा पीडीएफ फॉर्म में जो भी है। अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में ये रहता है कि क्या पंत नगर यूनिवर्सिटी में क्या उत्तराखंड के ही लोग पढ़ सकते हैं या अन्य राज्यों के, तो 95% उत्तराखंड के ही कैंडिडेट को प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता दी जाती है, प्लस आपका 5% जो होता है, 5% ये अन्य राज्यों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर उसको जब इतना रजिस्ट्रेशन करने के लिए इतना आप 6 स्टेप कंप्लीट फिल कर लेंगे, देन आपको कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करना होगा। अब अगला दे रहा है आपका, एक आपको पासवर्ड रिसीव होगा, इस पर हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप इसको देख लीजिएगा कैसे फॉर्म फिल करेंगे। फिर नीचे ये सब इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा कैसे कैसे फिल करना है। फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होगी, ये 20 से 50 KB के अंदर आपका फ़ोटोग्राफ की होनी चाहिए और क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए जो कि 10 से 20 KB के अंतर्गत हो, और लास्ट में आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देना है, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। अब नीचे आते हैं सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में एक बार और मैं रिवीजन कराना चाहूँगा कि कब तक है ये एक नज़र में, इसको एक नज़र में देखते चलिए। 18 अप्रैल से लेकर आपका 31 मई तक लास्ट फॉर्म एप्लीकेशन फिल करना है, और इसमें जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो केयरफुली सही सही भरिएगा। दूसरा है आपका एडिटिंग करेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यदि आपको, मतलब इनको यहाँ पर कंफर्म नहीं दिया है कि ये एप्लीकेशन करेक्शन डेट आएगा, यहाँ पर दे रहा इफ़ नेसेसरी, यदि इनको लगा कि हाँ इनके पास टाइम है और इनको लगा कि हाँ गलतियाँ हैं तो उसको सुधार किया जाएगा, तब 1 जून से लेकर आपको
7 जून के बीच में आप इसको अप्लीकेशन करेक्शन डेट आएगा, इसमें आप अपना जो भी गलत होगा उसको फॉर्म फिल कर लीजिएगा सही से, कोई उसका फीस अप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, करेक्शन भी हो गया। अब एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड करने की तिथि है यह 15 जुलाई 2022 के नियर अबाउट में, मतलब इसके बाद ही आपका डाउनलोड होगा, तभी आपको क्लियरफाई होगा। एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन आपका यूजी मतलब सॉरी मास्टर एंड पीएचडी, एमएससी, पीजी और पीएचडी की जो प्रोग्राम्स के लिए एग्जामिनेशन होगा यह 30 जुलाई सैटरडे दिन को आपका एग्जामिनेशन फाइनली करा लिया जाएगा। और दूसरा है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एमसीए प्रोग्राम, इसका 31 जुलाई दिन मतलब रविवार को आपका एग्ज़ाम फाइनली करा लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है पांचवा, टाइम क्या होती है इसका एग्जामिनेशन का, तो 10 से 1 दोनों का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और रिजल्ट की भी डेट पूरी दे दिया गया है कि रिजल्ट की जो आपकी तिथि है या 15 अगस्त 2022 के दिन आपका, इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है काउंसलिंग, थर्ड तीसरी या चौथी सप्ताह मतलब आपको 20 अगस्त के बाद आपका फाइनली काउंसलिंग करा लिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन डेट जब काउंसलिंग हो जाएगी फाइनल, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन डेट मिलेगी जिस दिन आप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वहाँ पहुँच करके आप अपना नामांकन की फ़ीस जमा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और लास्ट डेट भी आपको वहीं तभी बताया जाएगा जब आपकी काउंसलिंग पूर्णतः हो जाएगी। फिर एक सेकेंड, एक काउंसलिंग हो गई वन स्टेप, अब सेकेंड काउंसलिंग आपका द फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी, उसी के उपरांत आपको आएगा डेट। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आपकी काउंसलिंग होंगी सारी सारी आपको अनाउंस करा दिया जाएगा। अब एक बार यहाँ पर फिर बता दिया जा रहा है कि अप्लीकेशन फ़ीस है जो जनरल ओबीसी की ये 1200 है, एससी एसटी और पीएच की है 600 रुपये। यदि आपको कोई अन्य समस्या हो रहा है तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर और इसका पोर्टल दिया है, ईमेल तो हमने सबसे पहले बता दिया था। और यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने सलूशन पा सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।